वाशिंगटन से खबर शामिल करते हैं जहां पर अमरीकी सदारती इलेक्शन में अपोजिशन के उम्मीदवार और सबक अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं सदर होता तो ना इसराइल पर हमला होता और ना ही गज़ा और लबनान में जंग छेड़ती अल अरेबिया न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं सदर होता तो ये तबाहशुदा शहर नहीं होते मैं ये जंग कभी शुरू ना होने देता ये तमाम तबाही और नफरत इसराइल पर हमास के हमले के बाद हुई डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं जब सदर था तो हमास और हजबुल्ला नहायत कमजोर थी और वो किसी पर हमले की जरूरत और ताकत नहीं रखते थे सबक सदर डोनल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरे होते हुए तो ईरान को जारहत की हिम्मत ना होती और ना ही वो अपने धड़ों को अस्करी मदद फ्राहम न कर पाता याद रहे कि इससे भी ट्रंप रूस और इसराइल की खुली हमायत का ऐलान करते हुए सदर जो बाइडन की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आए हैं डोनल्ड ट्रंप ने मजीद कहा था कि अगर मैं सदर होता तो रूस यूक्रेन का मसला नहीं होता और मशरक वस्ता में जंग ना शुरू होती मैंने अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान तल्ल को बहाल कराया